पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जहां आमजन बेहद परेशान है, वहीं जिला में चल रहे निजी बस ऑपरेटर भी खासे परेशानी में नजर आ रहे हैं। शूलनी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रघुविंदर मेहता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से उन्हें बसों का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही सवारियां बसों में कम बैठ रही हैं, ऊपर से अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से जो लाभ की वे उम्मीद कर रहे थे, वे आस भी उनकी अब टूट रही है। इसलिए वे प्रदेश और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे पेट्रोल और डीजल के दामों पर नियंत्रण करें। सुलनी बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष रघुविंदर मेहता ने कहा कि रोज सुबह उन्हें पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की खबर मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। बस ऑपरेटरों को कोरोना काल से आज तक घाटे का सामना करना पड़ रहा है। लाभ तो दूर की बात है, चालक और परिचालकों का वेतन तक निकालना मुश्किल हो चला है। उन्होंने कहा कि नेपाल में भारत से पेट्रोल और डीजल जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ ये सस्ता है और भारत में महंगा है। इसलिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार को चाहिए कि वे बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करें। जहाँ तक डीजल और पेट्रोल की बात है, तो हम ये कहेंगे कि हर रोज़ डीजल का रेट बढ़ रहे हैं, जिससे कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों को और प्राइवेट गाड़ी चलाने वालों को बहुत दिक्कत आ रही है। और हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जो टैक्स इस पे इस टाइम जो टैक्स लग रहा है, वो 70% टैक्स लग रहा है, उस टैक्स में कटौती की जाए। और दुख की बात ये है कि नेपाल में डीजल सस्ता है और हिंदुस्तान में डीजल महंगा, और हिंदुस्तान से ही डीजल नेपाल को जा रहा है। ये जहाँ तक बसेस की बात कहें हम, तो बसेस में आम जनमानस जो है सफ़र करता है, और आम जनमानस का जो साधन है वो सिर्फ बसेस ही हैं। और उससे क्या हो रहा है कि हमें कोविड की वजह से पहले ही सवारियां नहीं मिल पा रही, और ऊपर से जो डीजल बढ़ रहा है, इससे हम अपनी हमारी कमर तोड़ दी गई है हमारे बस ऑपरेटर्स की, और हम बसों को चलाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या मांग करेंगे आप सरकार से इसके लिए? हम प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि डीजल का जो है इसमें टैक्स जो है उसे उसमें कटौती की जाए, ताकि इस महामारी के दौरान आम जनमानस को राहत मिल सके, और जो गाड़ियां ऑपरेट कर रहे हैं उन्हें भी गाड़ी संचालन में राहत प्रदान हो। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा निजी बस ऑपरेटर्स है, वो कोविड काल से बसें खड़ी करनी पड़ी, और उसके बाद जो है हमारा प्रदेश सरकार ने 3 माह का टैक्स जो है माफ़ किया है, किंतु उसके बाद का जो टैक्स है, जो स्पेशल रोड टैक्स है और जो टोकन टैक्स है, वो भी गवर्नमेंट से हमारा चल रहा है। लेकिन जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, तो हमें ये उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट बसेस का टैक्स को माफ़ करेगी, और हमें उम्मीद है कि 23 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है कैबिनेट की, इसमें टैक्स में हमें बस ऑपरेटर्स को राहत मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है।